मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव, बीकॉम स्तर पर संचालित कोर्स कोड 205 एलिमेंट ऑफ कास्टिंग को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं कास्ट अकाउंटिंग के संदर्भ में कुछ बातें। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले कास्ट अकाउंटिंग का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से कास्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि कास्ट क्या है, तो इसके बारे में आपको मैं बतला रहा हूँ कि इसकी मीनिंग पे सबसे पहले हम आते हैं। तो मीनिंग पे हम देखते हैं कि कास्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवेन थिंग्स। अब देखिए यहाँ पर इसके मीनिंग में हम देखते हैं कि कास्ट वर्ड आते ही मन में ये आता है कि इसको हिंदी में हम कहें तो लागत। तो कोई वस्तु, अगर उसे हम प्रोडक्शन उसका करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उस वस्तु में लगने वाले वे सभी खर्चे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जब वो वस्तु प्रिपेयर्ड होके फिनिश गुड्स तैयार होती है, तो उसमें जो कुछ लगता है उसे हम उसकी लागत कहते हैं। तो इस मीनिंग में यही है कि कास्ट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्चे हैं उसके अमाउंट को हम एक गिवन थिंग्स जो दी हुई है उसमें जो निहित है उसको हम लागत कहते हैं। तो लर्नर्स, अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कास्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें मोटे तौर पे देख लें। तो कास्ट अकाउंटिंग, इसके मीनिंग पे हम आते हैं। तो इसके मीनिंग पे हम आते हैं तो देखते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कास्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आर सर्विसेस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कास्ट एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रकार से कास्ट की मीनिंग की बात करें तो कास्ट अकाउंटिंग जो होता है वो कास्ट के लिए, ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच एज कास्ट एंड फर्निश्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रबंध के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं तो हम कास्ट अकाउंटिंग में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लागत क्या होती है, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, लागत ज्ञात करने के बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो सारी बातें हम कास्ट अकाउंटिंग के मीनिंग से समझ सकते हैं। और कास्ट अकाउंटिंग में ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिसीजन, इस मैनेजरियल जो भी डिसीजंस होते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, जो गुड्स प्रोड्यूस करती है उसमें मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए और उस मैनेजरियल डिसीजन में, चाहे वो अकाउंटिंग का कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी ब्रांच हो, उससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेने के लिए हमें कास्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कास्ट अकाउंटिंग, जो भी लागत का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे कास्ट को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे हम कास्ट को कंट्रोल करके उस प्रोडक्शन यूनिट का कास्ट कटिंग करेंगे और किस प्रकार से हम एक आइडियल आइडियल प्रोडक्ट जो
हमारा एक फेवरेबल कास्ट होगा, उसको किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, वो हमारा कास्ट अकाउंटिंग के माध्यम से उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अब डिफिनीशन पे हम आ करके देखते हैं, तो कास्ट अकाउंटिंग के डिफिनीशन में हम देखते हैं कि कास्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो एज द एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग एंड कास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट कंट्रोल एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लाभ को निर्धारित करने के लिए हम कास्ट अकाउंटिंग को एक एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करने का मतलब है कि कास्ट अकाउंटिंग से संबंधित जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, सबका प्रयोग हम कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से आप कास्ट अकाउंटिंग के डिफिनीशन को देखें। अब हम कास्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। कास्ट अकाउंटिंग का जो ये ऑब्जेक्टिव है उसे इस प्रकार से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट, कास्ट का निर्धारण करना। तो कास्ट अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव में कास्ट को निर्धारण करने के लिए, कास्ट का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, कास्ट का निर्धारण क्यों किया जाएगा, कास्ट का महत्व क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कास्ट असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट, लागत का निर्धारण हम करते हैं। अब देखिए, इस्टीमेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का हम अनुमान लगाते हैं। एक उद्देश्य कास्ट अकाउंटिंग का ये भी है कि हम लागत का जो एक अनुमान लगाते हैं प्रबंधकीय निर्णय में। व्यवसाय भविष्य के गतिविधियों पर निर्भर रहता है और भविष्य में क्या चीज़ें होंगी, तो कास्ट भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। ये भी एक कास्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य है। अब अगले उद्देश्य पे हम देखें तो कास्ट कंट्रोल, कास्ट अकाउंटिंग का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण विषय कास्ट कंट्रोल भी होता है कि हम कास्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, लागत कैसे कंट्रोल में रहेगी, कोई वेस्टेज ना हो, उसको हम कास्ट अकाउंटिंग के रूप में एक उद्देश्य बनाते हैं। इसमें टेक्निक्स यूज करते हैं कि हमारा कास्ट कंट्रोल कैसे हो। कास्ट रिडक्शन, किस प्रकार से हमारा लागत कम हो, उसके बारे में भी हम कास्ट रिडक्शन, एक कास्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य ये भी है कि कास्ट रिडक्शन, हम लागत को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का भी निर्धारण हम करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा कैसे हो कि कंपटेटिव जो बिजनेस है उसमें किस प्रकार से कास्ट हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिससे कस्टमर हमारे गुड्स को परचेज करने के लिए उस सेलिंग प्राइस को लाइक करे। इसलिए हम कास्ट अकाउंटिंग के उद्देश्य में कास्ट वो सेलिंग डिटरमिनेशन का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग जो होता है मुख्य रूप से जो भी हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं से वो मैनेजमेंट के लिए फ्रूटफुल होते हैं और मैनेजमेंट जो होता है उस सारे इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है। इस ऑब्जेक्ट को भी हम ध्यान में रख करके चलते हैं। ये भी हमारे कास्ट अकाउंटिंग का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है।
अब प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी। तो ये कास्ट अकाउंटिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि ये हमें ऐसे पॉलिसीज को प्रोवाइड करता है जिससे व्यवसाय के, प्रोडक्शन यूनिट के, प्रोडक्शन कंपनी के हमारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहीं न कहीं से कास्ट अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के लिए, इन ऑब्जेक्ट को बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैनेजरियल डिसीजन के लिए ये सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर, अब देखते हैं, अब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कास्टिंग, कास्ट के एलिमेंट क्या है। कास्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं मुख्य रूप से वो तीन हैं, वो मुख्य रूप से तीन हैं। और पहला है हमारा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। कास्ट के जो एलिमेंट्स हैं, कास्ट हमारा, कास्ट के जो हमारे एलिमेंट हैं वो मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंस है। अब इसके दो दो पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से एलिमेंट हैं और इन तीनों एलिमेंट्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन भी है। अब आगे हम देखते हैं तो देखते हैं कि मटेरियल जो है, मटेरियल में क्या है। तो द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फाइनेंस्ड प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटेरियल। प्रोडक्शन यूनिट में जिस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उसमें फिनिश गुड्स के लिए जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसका एक सब्सटेंस है ये मटेरियल, जिससे उसका निर्माण किया गया है। अब इस मटेरियल के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि फर्नीचर जो हमारा है, फर्नीचर में जो लकड़ी है वो डायरेक्ट मटेरियल के रूप में जानी जाती है। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो जैसे कि चेयर है, चेयर में कील भी लगी होती है, पेंट भी लगे होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में है। डायरेक्ट मटेरियल के रूप में वो लकड़ी का जो पार्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अब डायरेक्ट मटेरियल, अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारा यहाँ देखिए, डायरेक्ट में एग्जांपल तो हम लकड़ी का दे दिए, इनडायरेक्ट में हमने दिया था कील और पेंट, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये तीन स्तर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल को हम तीन स्तर पे देखते हैं, एट फैक्ट्री लेवल, एट ऑफिस लेवल, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। यहाँ देखिए कि मशीन जब चलती है, मशीन काम करती है, तो लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है वो भी तो एक मटेरियल ही है। और कंज्यूमेबल, अब इनडायरेक्ट ये मटेरियल्स हैं, बिना इसके मशीनें प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगी, तो ये भी पार्ट है। ऑफिस लेवल पे आप चले जाइए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोन डस्टर्स इट्सेट्रा। अगर सेलिंग पे चले जाए तो पैकिंग मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट्सेट्रा। तो कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी तैयार करती है तो उसको सेल करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री लेवल से गुजरता है, उसके बाद ऑफिस पे आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
जो डिपार्टमेंट है उसके पास आता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को ये जो कुछ मटेरियल्स बिकने के पहले तक उसमें यूज होते हैं वो सब कुछ इनडायरेक्ट के रूप में आते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो अगला देखते हैं लेबर। लेबर क्या है? तो द ह्यूमन इफोर्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉल्ड लेबर। मानवीय प्रयास से अगर कोई मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो मानवीय प्रयास है उसे हम लेबर के रूप में जानते हैं। किसी भी मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मानवीय प्रयास किए जाते हैं दैट इज नोन एज लेबर, वो श्रम के रूप में जाना जाता है। यह श्रम भी हमारे कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिमेंट ऑफ कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसे क्लासिफाई करके हम देखते हैं। तो डायरेक्ट ये फैक्ट्री के लेवल पे, यानी कि जब फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे जो लेबर लगता है वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। जैसे कि वेजेज पेड कारपेंटर फी पेड टू टेलर्स, अगर कपड़े बन रहे हैं तो कपड़ा सिलने वाले को जो फी पेमेंट किया जाता है वो डायरेक्ट लेबर के रूप में गिना जाता है। और अगर कोई मजदूरी दी जाती है किसी प्रोडक्शन यूनिट पे तो वो डायरेक्ट लेबर के रूप में काउंट किया जाता है। अब इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर में हम देखते हैं ये भी फैक्ट्री लेबल, ऑफिस लेबल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेबर में आता है। तो फैक्ट्री लेबर में अब इनडायरेक्ट लेबर क्या क्या है? तो फोरमैन्स सैलरी और वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, कारखाने का जो मैनेजर है उसकी सैलरी, गेट कीपर की सैलरी एट्सेट्रा, ये सब हमारे इनडायरेक्ट लेबर के रूप में है। और उसके बाद ऑफिस के लेवल पे देखें तो अकाउंटेंट्स सैलरी, जो अकाउंटेंट है उसका सैलरी है वो हमारा इनडायरेक्ट है, जो मटेरियल से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है वे सब इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट लेबर ये हो गया। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे चले तो सेल्समैन जो है उसका सैलरी, लॉजिस्टिक मैनेजर की सैलरी एट्सेट्रा, ये सब हमारा इनडायरेक्ट लेबर के रूप में काउंट किए जाते हैं, उसके उदाहरण है। अब आगे हम चले तो देखें यहाँ अदर एक्सपेंसेस, इट मींस जो एक्सपेंस एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग का जो तीसरा पार्ट था एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या है? तो अदर एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी व्यय किया जाता है उसे हम एक्सपेंस के रूप में जानते हैं। ये भी इसके भी दो पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस आर प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, स्पेशल हायर चार्जेज एट्सेट्रा। एक्साइज ड्यूटी और रॉयल्टी, रॉयल्टी जो प्रोडक्शन होता है तो जो अधिकार शुल्क दिया जाता है वो हमारा एक्सपेंस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में, बिना उसके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए रॉयल्टी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्साइज ड्यूटी भी है और स्पेशल हायर चार्जेस, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस आर प्रोडक्ट।
जो प्रत्यक्ष रूप से उस प्रोडक्ट या उस प्रोसेस से नहीं जुड़ा है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके भी एग्जांपल हम देखते हैं, तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए नेचर के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये हमारा टोटल कास्ट क्लासिफिकेशन है। और कास्ट क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं एक एक का, हम बारी बारी से आपको बताते चलते हैं कि कास्ट का जो एक क्लासिफिकेशन है कि नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट का क्लासिफिकेशन कैसे है, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये जो सारे बेस है, इस बेस के बिहाफ पे हम जो ये कास्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं, तो आइए अब उसको हम देखते हैं। तो एक एक को बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में हम पाते हैं तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ये तीन ही एलिमेंट हैं कास्ट के। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ये नेचर के हिसाब से कास्ट का नेचर जो है ये मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। ये सब मिलकर के कास्ट को तैयार करते हैं। अब आगे देखते हैं तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद मैनेजरियल कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट क्या है, तो प्रोडक्शन में जो प्रत्यक्ष रूप से उस प्रोडक्ट का हिस्सा है जिसे हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कास्ट का पार्ट होगा। और इनडायरेक्ट कास्ट, तो जो इनडायरेक्ट कास्ट है जो उसमें उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वे सारे कास्ट हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, तो फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट क्या है, तो जैसे कि हम प्रोडक्शन यूनिट पे मशीन लगाए हुए हैं तो वो मशीन चाहे एक चेयर बनाए या 1000 चेयर बनाए, मशीन तो वही रहेगी, फैक्ट्री की बिल्डिंग वही रहेगी, उस हिसाब से हम फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमेशा लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, ये सब जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कब चेंज होता है, तो जब हमारा प्रोडक्शन यूनिट कैपेसिटी से ओवर प्रोडक्शन करना होता है, कि अगर मान लीजिए कि कोई मशीन 1000 ही प्रोडक्शन कर पाता है, 1000 पीस प्रोडक्शन कर पाता है, तो अब हमें अगर 1000 से अधिक प्रोडक्शन चाहिए तो 1000 से अधिक पीसेस के लिए हमें एक नई मशीन और हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में फिक्स्ड कॉस्ट एक लेवल के बाद हमें नई यूनिट लगाने पे ही बढ़ता है, नहीं तो ये चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कास्ट क्या होता है, तो ये परिवर्तित होता रहता है, ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, तो ये वेरिएबल कास्ट हमारा बदलता रहता है। उसके बाद सेमी वेरिएबल, कुछ व्यय ऐसे होते हैं कि कुछ
लेवल तक वो परिवर्तित होते हैं, कुछ लेवल तक परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये सेमी वेरिएबल होते हैं। तो अब उसके बाद हमारा अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो हमारा कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब देखिए कंट्रोल और अनकंट्रोल का एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अगर पेट्रोल या मोबिल है, किसी कंटेनर में है, किसी ज़मीन पर रखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि उस ज़मीन के चारों तरफ ज़मीन भीग जाती है, तो ये क्या है, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के रूप में वो काउंट, उसको हम रोक नहीं पाते हैं, वो क्षय हमारा होता जाता है, वेस्टेज है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, ये आगे सब आपके आएंगे, ये मोटे तौर पे अभी आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट के बेस पे अगर देखें तो कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, डिफर्ड रेवेन्यू कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट जो हमारा पूंजीगत लागत है जिसमें मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू जो हमारा प्रोडक्शन करते समय जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे रेवेन्यू कॉस्ट के रूप में जाने जाते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू कॉस्ट, ऐसे एक्सपेंस जिसको हम कर देते हैं और वो भविष्य में कई वर्षों तक उसका लाभ हमें प्राप्त होता रहता है, जिसका उदाहरण हम देखें तो एडवर्टीजमेंट है, तो ये और इट्स कई भी ऐसे हैं, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू कॉस्ट के कैटेगरी में वो आएगा। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे देखते हैं तो हिस्टोरिकल कास्ट, प्री डिटरमाइंड कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट, प्री डिटरमाइंड कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल पे बजटेड कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट। ये जो कास्ट का क्लासिफिकेशन है ये आप को बस यहाँ देख लीजिए, सब आगे कास्ट अकाउंटिंग का जब हम आगे और इस पे अध्ययन करेंगे तो ये डीप में वो चीज़ें हमें आगे मिलेंगी। ये इंट्रोडक्टरी है इसलिए इसको हम सारांश के रूप में देखते चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल कोई भी यूनिट का जो मैनेजरियल डिसीजन है वो इन बेसिस पे वो डिपेंड करता है, जैसे मैनेजरियल कास्ट, आउट ऑफ पॉकेट कास्ट, संक कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल डिसीजन के लिए ये जो दिख रहे हैं पैरामीटर्स, मैनेजरियल कास्ट, मैनेजरियल कास्ट, आउट ऑफ पॉकेट कास्ट, संक कास्ट, इम्प्यूटेड कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट, रिप्लेसमेंट कास्ट, अवॉइडेबल कास्ट, अनअवॉइडेबल कास्ट, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कास्ट एंड डिफरेंशियल कास्ट। ये क्लासिफिकेशन आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग का अध्ययन करते समय इन सभी बिंदुओं का आगे चल के हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब आगे की क्लासेस में आपको कास्ट अकाउंटिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।